के बारे में। मौजूदा समय में विप्रो फिलहाल ये 407 पे कामकाज करता हुआ आपको नज़र आ रहा है और 0.098% के साथ अभी है गिरावट में है। 5 दिन पहले की बात करेंगे तो आपको 5 दिन पहले ये कंपनी अच्छा खासा 3.33% देता हुआ नज़र आ रहा है। महीने भर पहले कंपनी ने आपको -3.44% की गिरावट के साथ रिटर्न दिया है। 6 महीने पहले फिर से 28% माइनस में गिरावट में है। तो कुल मिला के कंपनी का जो फिलहाल हालचाल है बहुत खस्ता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन लंबे समय के लिए देखेंगे तो बिल्कुल मैक्सिमम इसका रिटर्न रहा है 2852%। कब से कंपनी का इस तरीके का हाल हुआ तो देखेंगे 1999 में कंपनी बिल्कुल 13 रुपये से शुरू हुई थी विप्रो, और वहाँ से ये जो सेक्टर है आईटी सेक्टर आप देखेंगे इसमें लगभग पिटाई जो ज़बरदस्त चल रही है कुछ महीनों से, ये पिटाई आज भी जारी है और कुछ महीने और जारी रहने वाला है, उसके बाद ये बंद होने वाला है। तो 1999 से लेके आप पाएंगे कि सीधा 2020 तक इसमें बढ़ोतरी बिल्कुल हुई है, लेकिन इसकी भी समय सीमा के साथ हुआ है। मतलब 252-250 तक ये लगातार रहा है शुरुआत से, और 2020 के बाद इसमें बहुत बड़ी चढ़ाई आई, लेकिन ये चढ़ाई बहुत देर तक सस्टेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप पाएंगे तो यहाँ पे आपको 670 भी दिखा था 2021 तक, जब तक तीसरा लहर नहीं आया था। जैसे ही तीसरा लहर आया वहाँ से फिर इसमें गिरावट शुरू हुआ, तो करेक्शन दोबारा से जारी है। विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है, आपको अगर इसमें बने रहना है तो आपको लंबे समय तक रहना है। अगर इसमें आपको इसमें से पैसे निकालने हैं तो अगर आपको चाहिए कि आप इसमें लंबे समय तक रहेंगे तभी जाके आपको इसमें मुनाफा दिखेगा, क्योंकि विप्रो जैसे कंपनी आप या HCL टेक जैसे कंपनी, ऐसे कंपनी बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देने वाली है, बशर्ते आप उसमें कब तक बने हुए हैं इस बात पे निर्भर करने वाला है।